नमस्कार, ट्रेंड फ्रीक में आपका स्वागत है। शार्क टैंक इंडिया में हर एक बार एक से बढ़कर एक पिक्चर्स के एंट्री होती है और उससे भी यूनिक होते हैं उनके बिजनेस आइडियाज, जो जजेस को तो इम्प्रेस करते ही हैं, दर्शकों को भी शो से बांधते नजर आते हैं। ऐसे ही यूनिक आइडियाज को लेकर शो में पहुंचे पिक्चर्स के बिजनेस का नाम है फन ग्रो, जिन्होंने रील्स बनाया और करोड़ों का बिजनेस भी। इनके बिजनेस में टीनेजर्स कर सकते हैं अर्न, वो भी अपने टैलेंट के बलबूते। वहीं पिक्चर्स ने शार्क से आज किया 50 लाख रुपए फॉर 1.25% इक्विटी। इसके साथ पीचर्स ने जिस तरह से अपनी स्पीच दी उससे जजेस काफी सेटिस्फाइड नजर आए। इसके साथ ही पीचर्स ने शार्क्स को ये भी बताया कि उन्होंने कैसे अपने बिजनेस की शुरुआत की। वहीं अमन ने पीचर को क्रॉस करते हुए कई सारे सवाल किए उनके बिजनेस से रिलेटेड, तो पीचर्स ने इसका शार्क्स को आंसर देते हुए समझाया। वहीं सारी बातें सुनने के बाद शार्क्स ने पीचर को डेमो दिखाने को कहा उनके प्रोजेक्ट का। वहीं डेमो दिखाने के बाद पीयूष ने पीचर्स को प्रोजेक्ट से रिलेट कई सवाल किए, साथ ही डेमो से वो बहुत एक्साइटेड भी नजर नहीं आए। फिर पीचर ने अपने प्रोजेक्ट को दूसरे से अलग बताते हुए एक्सप्लेन किया कि वो कैसे दूसरे से अलग है। अनुपम को बहुत सी चीजें परफेक्ट नहीं लगी इस बिजनेस में, तो इस डील से आउट हो गए। वहीं अमन भी इस डील से बाहर नजर आए, पीयूष भी इस डील से आउट हो गए। वहीं नमिता और अमित जैन ने पीचर को डील दी, जिसके बाद पीचर्स को इसके बारे में सोचकर डिसाइड करने को कहा, लेकिन पीचर्स काफी कॉन्फिडेंट थे इस डील को लेकर और उन्होंने तुरंत इस डील के लिए हामी भर दी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले, और साथ ही बेल आइकन दबा दे, जिससे आपको हमारे आने वाले और वीडियोस के भी अपडेट मिलती रहेगी। धन्यवाद।